हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा कोलकाता का लोकल टूर करने। सो अभी हम लोग बस निकलने वाले हैं एंड रेडी हो चुके हैं, थोड़ा सा मेस्टअप है एंड अभी निकलेंगे एंड आप लोगों को सब पूरा दिखाएंगे कि कैसा क्या लोकल टूर रहेगा। हम लोगों ने पूरी एक टैक्सी कर ली है तो अब उससे पूरा लोकल टूर हम लोग अपने यहाँ का करेंगे। जितनी भी जगह है यहाँ की कोलकाता की फेमस वहाँ चलते हैं, तो आप लोग वहाँ चल के पूरा दिखाएंगे एंड बाकी बातें बाद में करते हैं। ओके बाय, अभी टैक्सी में चलते हैं क्योंकि लेट हो रही है, 7:30 हो गए। तो गाइस पहले निकलने से पहले यहाँ पे मंदिर है जय भगवान जी कर लेते हैं एंड उसके बाद बाकी ये अपना होटल है। ये अपनी ब्लू रंग की कार खड़ी हुई है, ये है इसका गाड़ी नंबर क्या है, WB12D0159। ठीक है, चलो चलते हैं अब, फिर आके बता। चलो भाई फाइनली चलते हैं एंड अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पहले कहाँ जा रहे हैं बता दे रहा है, हमको बताया नहीं। बाकी ये हावड़ा ब्रिज है, देखो यहाँ की है येलो टैक्सी। तीनों शाम को करा दीजिएगा। हाँ, करें। कराने का विक्टोरिया करा दिए, तारामंडल करा दिए, इंडियन म्यूजियम करा दीजिए, दुर्गा मंदिर करा दिए, फिर उसका बिरला मंदिर, बिरला से कालीवट करा के। ठीक है, इनका नंबर ले लीजिएगा, हर जगह इनका जरूरत पड़ेगा, जहाँ जहाँ पार्किंग होगी यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, जय नरेंद्र। ओके ओके, ये सारी जगह हम लोग जाना है एंड अभी हम लोग पहले जा रहे हैं बेलूर मठ। तो अभी हम लोग यहाँ पे फ्यूल भरवा रहे हैं गाड़ी में एंड उसके बाद चलते हैं फिर हावड़ा एसी मार्केट। ये बेलूर मठ में क्या, किसका मंदिर है, क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस का ये है। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस का। अभी ये बेलूर मठ का जो है वो एंट्रेंस गेट है एंड इधर अपनी गाड़ी जा रही है पार्किंग के लिए। बाकी चलो अभी अंदर चलते हैं हम लोग एंड देखते हैं वाहनों के लिए प्रवेश नहीं है। ये ठीक है भाई, यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें हैं, प्लेस टू विजिट इन बेलूर मठ। आप ये जगह जा सकते हो, अगर आपको बंगाली आती है तो बंगाली पढ़ लेना। बाकी चलो भाई, बाकी बहुत ज़्यादा साफ सुथरी जगह है, देखिए बहुत साफ नहीं, सिटी में भी फर्क है सफाई का बहुत ज़्यादा हमने। तो यहाँ ये बता रहे हैं मेन टेंपल, तो यहाँ ये है। बाकी तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ की, यहाँ पे जूता खा रहे हैं। हाँ, अभी अपने जूते रख देते हैं यहाँ पे ऐसे, बाकी टाइम ही आई मीन क्या देखिए ये। ये टोकन अपने को मिला है जूता रखने का और ये है आश्रम के अंदर का। बाकी इस तरीके की गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, बैटरी वाली। अब ये पता नहीं हम मंदिर परिसर वालों के लिए है या हम लोगों के लिए भी है। बाकी ये देखो कितना सुंदर मंदिर है, अंदर चलते हैं, बस व्लॉगिंग करने को अंदर मिल जाए, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। चलो जी, टेंपल के अंदर हम लोग आ गए। मेन मंदिर तो होली है, बाकी यहाँ पे जो देखो कितनी ग्रीनरी है एंड बाकी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। तो वो बाकी उधर देखो नदी दिख रही है। तो अभी इधर मेन चीज़ें, मेन मंदिर तो होली, बाकी अब देखते हैं अगर जितना होता है वो, क्योंकि बाकी जगह भी हम लोगों को जाना है। तो चलो फटाफट हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जो हो पाता हो जाएगा फिर चलते हैं। एक बार यहाँ पर आप लोगों को 360 व्यू दे देते हैं हम। बहुत शांत एंड पीसफुल जगह है, ये मेन टेंपल है एंड ये तो देखो ये नदी है। नेक्स्ट जगह कौन सी है?
नेक्स्ट जगह कौन सी है, दूसरी जगह है दक्षिणेश्वर काली माता। दक्षिणेश्वर काली माता कितनी दूर हो गए वो यहाँ से? यहाँ से हाँ 7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर। इसको बोला जाता है बाली ब्रिज। बाली ब्रिज अच्छा। इसमें भी नीचे पिलर नहीं है? हाँ पिलर है इसमें है। हाँ अच्छा, सिर्फ हावड़ा ब्रिज में नहीं है। हाँ बीच में ट्रेन चलती है। अच्छा अच्छा, दोनों तरफ से गाड़ी। अच्छा वही मंदिर है समझे। अच्छा अच्छा, वो सामने मंदिर है। हाँ, मंदिर के पास से गंगा किनारे देखिएगा तो ये सब दिखाई पड़ेगा। अच्छा हम लोग अभी दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर आ चुके हैं। ये अंदर का व्यू है इस तरीके का, देख लो। एंड इधर थोड़ा बहुत सामान आप ले सकते हो, वहाँ पे भी दुकान दिख रही है, शायद प्रसाद की है। यहाँ तक प्रसाद ही की है। यहाँ से देख लो, यहाँ से एंट्री हो रही है। एंड इधर मंदिर है। तो अभी यहाँ पर अंदर क्या है, तो अंदर क्या है कि अंदर मोबाइल वोबाइल आप नहीं ले जा सकते हो, पर्स बेल्ट वेल्ट कुछ नहीं ले जा सकते हो। एंड सब बाहर जमा करना पड़ेगा लॉकर में। तो उससे अच्छा है या तो लॉकर में जमा कर दो या फिर एक एक करके चले जाओ अगर आपके साथ 2-3 लोग हैं तो। ठीक है चलो अंदर चलो। तो ये देखो ये लॉकर पूरा बना हुआ है। ठीक है यहाँ पर लॉकर में सब जमा हो रहा है और अपना एक एक करके रुक जाओ सबसे बेस्ट रहेगा। देखो लॉकर के जस्ट पीछे देखो यहाँ पे एक पॉन्ड टाइप का बना हुआ है सुंदर सा। तो ये देखो सो गाइस, फाइनली दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके हैं काली माता के। एंड हम लोगों का अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है कैमरे के लिए, तो सही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो कैमरा बिल्कुल अंदर आप नहीं ले जा सकते हो, बाकी मैंने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर इनको कहा जाता है। बहुत अच्छे दर्शन हो गए। सामने माता के जो है आपको 12 ज्योतिर्लिंग मिल जाएंगे, शिवलिंग मिल जाएंगे, तो वो भी आप दर्शन कर सकते हैं। एंड बहुत अच्छा रहा। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट अपने स्पॉट की तरफ। एंड वो जो नेक्स्ट स्टॉप स्पॉट होगा वो आपको मैं कार में बताता हूँ। ठीक है कौन सी? आता पीठ। अच्छा आद्यापीठ। आद्यापीठ जब चलना है हम लोग। चलो जी आद्यापीठ आ गए ना। हाँ तो ये आद्यापीठ आ चुके हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं, यहाँ पे 2 मंदिर हैं माता के। जाओ अभी अंदर चलते हैं। एक ये वाला है जो अभी गेट खुला नहीं है इसका। बंगाली में जो भी लिखा है अगर किसी को समझ में आए तो बताना इसका कमेंट में, अगर कोई हो तो भाई बता देना क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। सो ये जो माता का मंदिर हम लोगों ने दर्शन किया है, यहाँ पे इसके ठीक सामने देखो आप ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं सारे, जैसे कि काली माता जो अभी हम लोग दक्षिणेश्वर माता के मंदिर से होके आए हैं, वैसे यहाँ पे भी ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। ना,
तो अब हम लोग जा रहे हैं गोरी धाम, ठीक है? तो हम लोग गोरी धाम के लिए निकल चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेट्रो है ना पूरा? हाँ ये मेट्रो का है। आलम बाजार। हाँ इसीलिए कौन वाला, ये वाला, ये जो इसके दक्षिणेश्वर के लिए अभी बताए थे जो आप, फिर से बताइए। परमहंस का जो भक्त थे ना, उनको सपना मिला था कि हमको मंदिर बनाइए माँ काली का। अच्छा, माँ काली सपना दिए हैं। हाँ वही मंदिर बनाया है। अच्छा, भक्त थे गंगा किनारे। ये मॉल है यहाँ का, रंगोली। तो हम लोग आ चुके हैं गोरी धाम एंड यहाँ पे श्री श्याम मंदिर है। घुसुड़ी धाम बोलते हैं यहाँ पे, घुसुड़ी धाम। ये इस तरीके से है, यहाँ पे फूल उल मिल जाएगा। चलो जी, अब चल दिए हैं 62 फीट हाइट शिव मंदिर की तरफ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 62 फीट शिव मंदिर में एंड यहाँ पे वो मंदिर बना है। इसके मंदिर के बैक साइड पे ही शिव भगवान की मूर्ति लगी है। हाँ, ये शिवलिंग है भोलेनाथ की यहाँ पे। ये देखो, ये है 62 फीट ऊंची शिव भगवान की मूर्ति। एंड देखो यहाँ पे पर्वत टाइप का इन्होंने बना रखा है पूरा। एंड यहाँ शिव भगवान है और नीचे माता बनी हुई है, इधर भी माता बनी है, इधर ऋषि मुनि है। एंड बाकी ये देखो, ये पूरा मंदिर है।
बहुत सुंदर सा मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। एंड ये जो नदी है तो ये गंगा नदी है, देखिए भगवान का मंदिर है। अभी वहाँ पे भी चल सो अभी हम पहले यहाँ से दर्शन करते हुए पूरा एक अंदर से राउंड लगाते हुए आएंगे अंदर। जाओ ये राम दरबार है, राधा कृष्ण जी, और ये खाटू श्याम बाबा। जाओ बाबा, ये है गुफा, यहाँ ओम बना हुआ है हल्का सा। एंड ये जो है यहाँ पे आपको पूरा 12 ज्योतिर्लिंग है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब, सोमनाथ, महाकालेश्वर, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ और त्रिम्बकेश्वर, बैद्यनाथ, रामेश्वरम, भीमाशंकर, ओमकारेश्वर और विश्वनाथ और गृहेश्वर। सो ये सारे ज्योतिर्लिंग आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। वाह बहुत बढ़िया। तो अभी हम आपको एक एक करके दर्शन करा देते हैं सोमनाथ जी के। जय हो सोमनाथ जी के। बाकी आप ये पढ़ लेना, मैं लिख ये दे रहा हूँ, मल्लिकार्जुन जाओ, हाँ केदारनाथ सब लिखा है, केदारनाथ त्र्यंबकेश्वर। बैद्यनाथ रामेश्वरम नागेश्वर भीमाशंकर ओंकारेश्वर विश्वनाथ
घुमेश्वर से आपको यहाँ पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग मिल जाएंगे और बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे आपको एक ही जगह पे। तो आप आ सकते हैं, बाकी ये गुफा से आप बाहर ले सकते हैं, जा सकते हैं और यहाँ पे आपका पूरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है एंड बहुत अच्छा। एक तो मौसम इस समय बहुत अच्छा हो रखा है, इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब गर्मी अभी हो रही है सुबह के मौसम, अभी फ़िलहाल बज रहे 11:15 एंड सुबह थोड़ा बहुत मतलब कल बारिश हो गई थी रात में, तो उस वजह से मौसम अच्छा हो गया। बाकी पीछे गंगा जी हैं एंड मंदिर बहुत अच्छा है। ये जो है वो 62 फीट शिव भगवान की मंदिर मतलब मूर्ति। और अब चलते हैं हम। सो ये जो पुल है ये आपका हावड़ा ब्रिज हो गया एंड नदी है गंगा नदी, ठीक है। एंड अब हम लोग चलते हैं